दोस्तों बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का हमारे इस YouTube चैनल में। दोस्तों चैनल पर अब तक की सबसे बड़ी खबरों की अपडेट्स आपको मिलती हैं, इसलिए आप रेड बटन दबाकर आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी जरूर प्रेस कर लें, जिससे कि आपसे किसी भी तरह की न्यूज मिस ना हो। तो दोस्तों बढ़ते पहली बड़ी खबर की ओर। जी हाँ दोस्तों, आज की पहली बड़ी खबर की प्रधानमंत्री मोदी ने पाकिस्तान के लोगों को उनके राष्ट्रीय दिवस पर शुभकामनाएं दी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पाकिस्तान के राष्ट्रीय दिवस की पूर्व संध्या पर शुक्रवार को संदेश भेजकर पाकिस्तान प्रधानमंत्री इमरान खान एवं वहां के लोगों को शुभकामनाएं दी। आधिकारिक सूत्रों ने यह जानकारी दी। अपने देश में प्रधानमंत्री ने कहा कि वक्त आ गया है कि उपमहाद्वीप के लोग आतंक और हिंसा से मुक्त वातावरण में लोकतांत्रिक शांतिपूर्ण प्रगतिशील और समृद्ध क्षेत्र के लिए मिलकर काम करें। मोदी का यह संदेश पुलवामा हमले के बाद परमाणु संपन्न दोनों पड़ोसी देशों के बीच संबंधों में आए जबरदस्त तनाव के बीच आया है। पुलवामा में हुए आतंकवादी हमले के बाद भारतीय वायुसेना ने पाकिस्तान के बालाकोट में जैश ए मोहम्मद के आतंकवादी ठिकाने पर हवाई कार्रवाई की थी। उल्लेखनीय है कि भारत ने शुक्रवार को यहां नई दिल्ली स्थित पाकिस्तान उच्चायोग में देश के राष्ट्रीय दिवस के उपलक्ष्य में आयोजित कार्यक्रम का बहिष्कार किया था। भारत ने कार्यक्रम में जम्मू कश्मीर से कई अलगाववादी नेताओं को आमंत्रित किए जाने पर विरोध भी जताया था। इमरान खान ने भी प्रधानमंत्री मोदी के संदेश पर ट्वीट किया। खान ने कहा, प्रधानमंत्री मोदी का संदेश मिला जिसमें लिखा है, मैं पाकिस्तान के राष्ट्रीय दिवस के अवसर पर देश की जनता और बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। यह वक्त है जब उपमहाद्वीप के लोग आतंक और हिंसा से मुक्त वातावरण में लोकतांत्रिक शांतिपूर्ण प्रगतिशील और समृद्ध क्षेत्र के लिए मिलकर काम करें। यहाँ दोस्तों अगली बड़ी खबर की पाकिस्तान में जिहादी संगठनों और जिहादी संस्कृति के लिए कोई जगह नहीं है। इमरान खान बोले, पुलवामा हमले के बाद पाकिस्तान में सक्रिय आतंकवादी संगठनों के खिलाफ कार्रवाई करने को लेकर पाकिस्तान सरकार पर बड़े वैश्विक दबाव के बीच पाकिस्तानी प्रधानमंत्री इमरान खान ने कहा है कि उनके देश में जिहादी संगठनों और जिहादी संस्कृति के लिए कोई जगह नहीं है। द एक्सप्रेस ट्रिब्यून ने बताया है कि खान ने यहाँ संपादकों और वरिष्ठ पत्रकारों से कहा है कि भारत की राजग सरकार पाकिस्तान के खिलाफ नफरत की राजनीति के बल पर आम चुनाव जीतना चाहती है। उन्होंने चेताया कि नियंत्रण रेखा पर तब तक सुरक्षा संबंधी खतरा बना रहेगा जब तक भारत में चुनाव नहीं हो जाते। उन्होंने देश से हर समय तैयार रहने को कहा। खान ने कहा कि देश के सुरक्षा बल हमेशा तैयार हैं और वे किसी भी सैन्य आक्रामकता की स्थिति में करारा जवाब देंगे। डॉन ने खबर दी है कि इमरान ने जिहादी इतिहास और जिहादी संस्कृति का जिक्र करते हुए कहा है, यह समूह अफगानिस्तान में सोवियत संघ के खिलाफ अमेरिकी नेतृत्व वाले अफगानिस्तान युद्ध के दिनों में अस्तित्व में है और दशकों से यहाँ से अपनी गतिविधियों को अंजाम देते आए हैं। उन्होंने कहा है कि उनके देश में इस प्रकार के किसी भी संगठन के लिए कोई जगह नहीं है। पाकिस्तान दुनिया को यह भरोसा दिलाना चाहता है कि वह केवल शांति प्रिय देश ही नहीं बल्कि वह लघुकालीन एवं दीर्घकालीन नीतियों से इस जिहादी संस्कृति एवं आतंकवाद को समाप्त करने को लेकर भी ईमानदार है। खान ने कहा है कि भारत पाकिस्तान को वित्तीय कार्रवाई कार्यदल FATF की काली सूची में डालने की कोशिश कर रहा है और यदि ऐसा होता है तो देश को कई आर्थिक समस्याओं का सामना करना पड़ेगा। खान ने देश में कानून व्यवस्था के बारे में कहा कि प्रतिबंधित संगठनों को बहुत पहले ही नष्ट कर दिया जाना चाहिए था, लेकिन यह उनकी सरकार है जो ऐसे संगठनों के खिलाफ कार्रवाई कर रही है। उन्होंने कहा कि सरकार उन्हें मुख्य धारा में लाने के लिए भारी धन खर्च कर रही है। उन्होंने कहा कि सभी राजनीतिक दलों ने राष्ट्रीय कार्य योजना पर सहमति जताई है और आतंकवादी संगठनों को प्रतिबंधित कर दिया गया है। उनके खिलाफ आगे की कार्रवाई की जा रही है और सरकार पाकिस्तान की जमीन पर इस प्रकार की गतिविधियों की अनुमति नहीं दे सकती। उल्लेखनीय है कि पुलवामा में 14 फरवरी को हुए पाकिस्तान स्थित जैश ए मोहम्मद के आतंकी हमले के में CRPF के 40 जवान शहीद हो गए थे। इसके बाद से भारत और पाकिस्तान के बीच तनाव बढ़ गया है। जी हाँ दोस्तों, अगली बड़ी खबर की मोदी को पुनः उम्मीदवार बनाने से जश्न में डूबे वाराणसी के भाजपा कार्यकर्ता। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के वाराणसी संसदीय क्षेत्र से पुनः चुनाव लड़ने की भारतीय जनता पार्टी की घोषणा के दूसरे दिन शुक्रवार को भी पार्टी कार्यकर्ता होली के जश्न में डूबे रहे। उन्होंने जमकर होली खेली तथा एक दूसरे का मुंह मीठा किया। वाराणसी संसदीय कार्यालय में विधान परिषद सदस्य एवं वाराणसी लोकसभा क्षेत्र के संयोजक लक्ष्मण आचार्य के नेतृत्व में
भाजपा कार्यकर्ताओं ने रविंद्रपुरी स्थित पुरी के मोदी के संसदीय कार्यालय पर एक दूसरे का मुंह मीठा किया तथा गुलाल लगाकर जश्न मनाया। इस अवसर पर आचार्य ने कहा कि मोदी का यहां से पुनः चुनाव लड़वाने के पार्टी के फैसले से यहां के लोग बेहद खुश हैं तथा इसे वाराणसी के लिए सौभाग्य की बात मानते हैं। उत्साहित भाजपा कार्यकर्ताओं एवं समर्थकों को विश्वास है कि मोदी रिकॉर्ड मतों से चुनाव जीतकर फिर प्रधानमंत्री बनेंगे। भाजपा जिला कमेटी की ओर से चितईपुर और पिछड़ा वर्ग मोर्चा ने दुर्गा कुंड में पार्टी कार्यकर्ताओं ने जश्न मनाया। गौरतलब है कि गुरुवार को पार्टी ने मोदी के वाराणसी से चुनाव लड़ने के बारे में घोषणा की थी, तभी से यहां पार्टी कार्यकर्ताओं ने होली के साथ दिवाली मनाने का सिलसिला शुरू कर दिया था। वे रंग गुलाल के साथ पटाखे चलाकर अपनी खुशी व्यक्त कर रहे थे। इससे पहले कई बार उनके उड़ीसा से चुनाव लड़ने की अटकलें लगाई गई थी, इस वजह से उनके चुनाव लड़ने की खबरों को लेकर यहाँ के पार्टी कार्यकर्ताओं एवं समर्थकों में उत्सुकता बनी हुई थी, लेकिन उनके नाम की घोषणा के साथ ही अब उन अटकलों पर विराम लग गया है। जी हां दोस्तों, अगली बड़ी खबर है कि भीलवाड़ा में तीसरी बार कोई सांसद का चुनाव नहीं जीता। राजस्थान में आगामी लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने भीलवाड़ा संसदीय क्षेत्र से अपने वर्तमान सांसद सुभाष बहेड़िया को फिर से चुनाव मैदान में उतारा है। इस बार उनके पास जीत की टिकड़ी बनाने का मौका है। भाजपा ने बहेड़िया को चौथी बार लोकसभा चुनाव में पार्टी उम्मीदवार बनाकर उन्हें जीत की टिकड़ी बनाने का मौका दिया है। हालांकि आज़ादी के बाद अब तक भीलवाड़ा लोकसभा क्षेत्र में हुए चुनाव में कोई भी प्रत्याशी तीसरी बार चुनाव नहीं जीत सका है। बहेड़िया को भाजपा ने वर्ष 1996 में पहली बार लोकसभा चुनाव में अपना उम्मीदवार बनाया और उन्होंने महेंद्र सिंह मेवाड़ को हराकर जीत दर्ज की थी। इसके बाद वर्ष 1998 में हुए चुनाव में वह कांग्रेस के रामपाल उपाध्यक्ष से चुनाव हार गए। जी हाँ दोस्तों, अगली बड़ी खबर है कि दिल्ली भाजपा ने 7 लोकसभा सीटों पर 3-3 संभावित उम्मीदवारों के नाम किए तय। दिल्ली भाजपा की चुनाव समिति में शुक्रवार को राष्ट्रीय राजधानी की 7 लोकसभा सीटों के लिए 3-3 संभावित उम्मीदवारों के नाम तय किए। पार्टी सदस्यों द्वारा चुनाव से पहले टिकट के लिए सितारों के पार्टी में शामिल होने को लेकर विरोध प्रदर्शन किए जाने के बीच यह नाम तय किए गए हैं। बैठक में शामिल हुए एक नेता ने बताया कि चुनाव समिति की राज्य इकाई ने जिन संभावित नामों की सूची बनाई है उसमें पूर्व क्रिकेटर गौतम गंभीर का नाम नहीं है। गंभीर के भाजपा में शामिल होने के बाद से ही उन्हें नई दिल्ली सीट से मैदान में उतारने की अटकलें थीं। उन्होंने कहा, सभी मौजूदा 7 सांसदों के नाम सूची में शामिल हैं, जिसे केंद्र चुनाव समिति के पास भेजा जाएगा, जो उम्मीदवारों का अंतिम चयन करेगी। जी हां दोस्तों, अगली बड़ी खबर है कि अमेठी में स्मृति और राहुल के बीच कांटे की टक्कर की उम्मीद। उत्तर प्रदेश की अमेठी संसदीय सीट पर इस बार फिर से भी कांटे की टक्कर देखने को मिल सकती है। इस सीट से कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी के मुकाबले भारतीय जनता पार्टी ने दोबारा स्मृति ईरानी को उतारा है। सुश्री ईरानी ने 2014 के लोकसभा चुनाव में श्री गांधी को जोरदार टक्कर दी थी और कांग्रेस करीब 1,00,000 मतों से ही जीत सके थे। शुक्रवार को अमेठी से प्रत्याशी बनाए जाने की पार्टी की घोषणा के बाद सुश्री ईरानी ने कहा है कि राहुल गांधी के लिए दीवार पर नतीजा लिखा हुआ है। उन्होंने अमेठी में कामदार बनाम नामदार के बीच चुनावी मुकाबला होने की बात कही। स्मृति ईरानी ने दावा किया कि अमेठी के लोगों की दिक्कतों को सुनने और उन्हें दूर करने के लिए श्री गांधी को कभी समय नहीं मिला, जबकि उन्होंने पिछले 5 साल में वहां के लोगों के साथ ज्यादातर वक्त गुजारा है। भाजपा प्रत्याशी ने यह कहते हुए राहुल पर निशाना साधा कि जिन गरीबों ने अपने मत देकर श्री गांधी को सांसद बनाया उन्हें ही कांग्रेस अध्यक्ष ने छला है। दूसरी ओर कांग्रेस अध्यक्ष ने केंद्र और राज्य की भाजपा सरकार पर आरोप लगाया है कि अमेठी में जो बड़े उद्योग लगने हैं उन्हें हटाकर दूसरी जगह ले जाया गया है। समाजवादी पार्टी और बहुजन समाजवादी पार्टी गठबंधन ने अमेठी सीट पर प्रत्याशी न उतारने का फैसला किया है। ऐसे में इस बार राहुल गांधी और स्मृति ईरानी के बीच कांटे की टक्कर देखने को मिल सकती है। सुश्री ईरानी ने इस पर चुटकी लेते हुए कहा है कि सपा और बसपा का अमेठी में प्रत्याशी न उतारना साबित करता है कि चुनाव में कांग्रेस की हालत क्या होने वाली है। गौरतलब है कि प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी लगातार कहा है कि इस बार लोकसभा चुनाव में भाजपा अमेठी और आजमगढ़ सीटें जीतेगी। 2014 में अमेठी में कांग्रेस और आजमगढ़ में सपा के मुलायम सिंह यादव जीते।
जी हाँ दोस्तों, अगली बड़ी खबर की नीरव मोदी के प्रत्यर्पण के लिए हम ब्रिटेन के संपर्क में। भारतीय विदेश मंत्रालय ने जानकारी दी है कि नीरव मोदी के ब्रिटेन से भारत प्रत्यर्पण के लिए तेजी से काम हो रहा है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रवीश कुमार ने शुक्रवार को इसकी जानकारी देते हुए बताया कि हमारी ओर से कोई देरी नहीं हो रही है। हम नीरव मोदी के प्रत्यर्पण मामले को लेकर लगातार ब्रिटेन से संपर्क में है। भारत सरकार जल्दी से जल्दी उसके प्रत्यर्पण को लेकर प्रतिबद्ध है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रवीश कुमार ने कहा कि भारत नीरव मोदी के प्रत्यर्पण मामले को लेकर लगातार ब्रिटेन से संपर्क में बना हुआ है। कुमार ने कहा कि हम वेस्टमिंस्टर मजिस्ट्रेट को नीरव मोदी के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी करने और ब्रिटेन के अधिकारियों के उसे गिरफ्तार करने का स्वागत करते हैं। घोटाले में नाम सामने आने के बाद नीरव भारत से फरार हो गया था और बीते कुछ समय से लंदन में रह रहा था। 13,000 करोड़ से ज्यादा के बैंक घोटाले के आरोप नीरव मोदी के लंदन में 19 मार्च को गिरफ्तार किया गया था। नीरव मोदी को लंदन के होलबोर्न इलाके से गिरफ्तार किया गया था, जिसके बाद 20 मार्च को लंदन के वेस्टमिंस्टर कोर्ट में पेश किया गया। नीरव ने जमानत की मांग की, लेकिन अदालत ने मोदी की जमानत याचिका खारिज करते हुए उसे 29 मार्च तक के लिए हिरासत में भेज दिया है। जी हाँ दोस्तों, अगली बड़ी खबर है कि खुशहाली के मामले में फिर पिछड़ा भारत, पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान भी आगे। सरकारें खुशहाल भारत के कितने ही दावे और वादे कर ले, लेकिन आंकड़े कुछ और ही कह रहे हैं। संयुक्त राष्ट्र विश्व खुशहाली रिपोर्ट में इस साल भारत फिर पिछड़ गया है। इस सूची में भारत को 140वां स्थान मिला है, जो पिछले साल के मुकाबले 7 स्थान नीचे है। वहीं फिनलैंड लगातार दूसरे साल इस बार इस मामले में शीर्ष पर रहा। सबसे अहम बात यह है कि खुशहाल देशों की रैंकिंग में भारत अपने पड़ोसी देश पाकिस्तान से भी पिछड़ गया है। संयुक्त राष्ट्र सतत विकास समाधान नेटवर्क ने बुधवार को यह रिपोर्ट जारी की थी। भारत 2018 में सूची में 133वें स्थान पर था, वहीं इस साल 140वां स्थान मिला। इसके अलावा भारत के पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान 67वें, बांग्लादेश 125वें और चीन 93वें स्थान पर है। बता दें कि संयुक्त राष्ट्र खुशी के स्तर को 6 कारकों के आधार पर आकलन करता है। इसमें प्रति व्यक्ति आय, स्वस्थ जीवन, प्रत्याशा, सामाजिक सपोर्ट, आजादी, विश्वास और उदारता, भ्रष्टाचार को लेकर आम लोगों की सोच शामिल है। जी हाँ दोस्तों, अगली बड़ी खबर है कि पीएम नरेंद्र मोदी को लेकर जावेद अख्तर ने किया बड़ा खुलासा। मशहूर गीतकार और फिल्म लेखक जावेद अख्तर ने सोशल मीडिया पर एक बड़ा खुलासा किया है। उन्होंने सोशल मीडिया पर लिखा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ऊपर बन रही फिल्म प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया नरेंद्र मोदी में उन्होंने कोई भी गाना नहीं लिखा है और इस फिल्म के पोस्टर में उनका नाम बतौर गीतकार देखने के बाद वह हैरान है। सोशल मीडिया पर जावेद अख्तर ने लिखा है, इस फिल्म पीएम नरेंद्र मोदी के पोस्टर पर मैं अपना नाम देखकर सदमे में हूँ। मैंने इस फिल्म के लिए कोई गाना नहीं लिखा है। गौरतलब है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जीवन पर बन रही फिल्म पीएम नरेंद्र मोदी में विवेक ओबराय की अहम भूमिका है। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 9 अलग अलग अवतारों को इस फिल्म में प्रदर्शित किया है। यह फिल्म नरेंद्र मोदी के 1957 से लेकर 2019 तक की यात्रा को दर्शाती है। इस फिल्म का निर्देशन उमंग कुमार ने किया है। यह फिल्म 5 अप्रैल को रिलीज होने वाली है। जी हाँ दोस्तों, अगली बड़ी खबर की चुनाव पर कहीं उल्टा ना पड़ जाए दाव, पीएम नरेंद्र मोदी पर आधारित फिल्म। लोकसभा चुनाव से पहले रिलीज हो रही नरेंद्र मोदी के जीवन पर बनी फिल्म पीएम नरेंद्र मोदी का विषय ही ऐसा है कि हर कोई इस पर बात कर रहा है। वहीं फिल्म का ट्रेलर आ गया है, जहां एक तबका कह रहा है कि फिल्म खास तौर से चुनाव में मोदी को फायदा पहुंचाने और प्रचार के लिए बनाई गई है। बता दें कि लेकिन 5 अप्रैल को रिलीज हो रही फिल्म अगर ट्रेलर का ही विस्तार होगी तो इस बात की आशंका प्रबल है कि फिल्म मोदी का प्रचार करने से कहीं ज्यादा उनका मजाक उड़ाने में इस्तेमाल हो। ऐसा घटनाओं की अतिनाटकीय प्रस्तुति की वजह से हो सकता है। मोदी को निर्भीक, निडर, राष्ट्रवादी और हीरो के रूप में दिखाने के लिए जिस तरह से घटनाओं का वर्णन किया गया है, वह ट्रेलर में प्रभावी लगने की बजाय मजाकिया नजर आता है। बता दें कि 1992 में बीजेपी ने कश्मीर के लाल चौक में तिरंगा एकता यात्रा निकालकर झंडा फहराया था। उस वक्त बीजेपी अध्यक्ष मुरली मनोहर जोशी ने यात्रा का नेतृत्व किया था, लेकिन पीएम नरेंद्र मोदी इस घटना को बहुत ही
नाटकीय तरीके से दिखाया गया है। यह कि नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में लोग लाल चौक पर तिरंगा फहराने जा रहे हैं, मोदी के ग्रुप को सेना के जवान कवर कर रहे हैं, जहां बड़े पैमाने पर गोलियां चल रही हैं, निर्भीक मोदी हैं कि हाथ में तिरंगा लिए बढ़े ही जा रहे हैं। ठीक इसी तरह आपातकाल की घटना का भी जिक्र ट्रेलर में नजर आता है। मोदी ने आपातकाल के दौरान अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के नेता के रूप में उल्लेखनीय कार्य किया था, लेकिन ट्रेलर में इंदिरा के सामने आपातकाल के दौरान मोदी को कुछ इस तरह से गढ़ा गया है कि वह आपातकाल में विपक्ष का नेतृत्व करने वाले बहुत बड़े नेता के तौर पर नजर आते हैं। ट्रेलर से साफ पता चलता है कि जमकर मोदी की छवि गढ़ने की कोशिश हुई है। इसमें मोदी को एक ऐसे नेता के रूप में दिखाया गया है जिसके लिए देश धर्म से कहीं ज्यादा मायने रखता है। वही ट्रेलर में मोदी के बचपन का भी एक प्रसंग है। एक जगह मोदी तिरंगा देखकर उसे सैल्यूट करते नजर आते हैं। जब मोदी के साथ मौजूद दूसरा बच्चा सवाल करता है कि वो ऐसा क्यों करते हैं, तो मोदी का जवाब है, तू मंदिर को देखकर ऐसा क्यों करता है। तो दोस्तों, इसी तरह से खबरों से संबंधित सवालों के लिए हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं, और अब की आप भारत में प्रधानमंत्री के रूप में किसे देखना चाहेंगे उसे भी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो रेड बटन दबाकर हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस कर दें, जिससे कि आपसे किसी भी तरह की न्यूज़ मिस ना हो।